बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, कहा जाता है कि जी मकाफ़ात अमल कोई चीज़ है और इसी दुनिया में जो आदमी कुछ करता है उसे इधर ही उसका सिला मिलता है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे जो दोस्त हैं सियासत की मैं अगर बात करूं तो सियासत में भी यही कहा जा रहा है कि जी कल जो उन्होंने किया फवाद चौधरी वगैरह सब ने, आज उनके साथ हो रहा है। चलें इसको तो छोड़ें, जो एक दो दिन से बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, डीएसपी साहब हैं जिन्हें खातून ने थप्पड़ मारे, जो नेवी की एक अफसर की वो मिसेज हैं, तो ख़वातीन हज़रात आज एक और वीडियो आई है और ये एक महकमे के किसी बंदे ने बना के भेजी है मुझे, और आप यकीन जाने मैं देख के हैरान हो गया और मुझे अल्लाह की ज़ात पर मेरा भरोसा और बढ़ गया, और ख़ास तौर पर मकाफ़ात अमल की जो मैं बात कर रहा था कि जी किस तरह वो डीएसपी साहब एक कांस्टेबल की तजलील कर रहे हैं और उसके वो शोल्डर्स उखाड़ के उन्होंने नीचे फेंक दिए। कसूर उसका ये था कि जी उसने अपनी जो शर्ट है उस पर उसने वो नहीं लगाए हुए थे, कुछ रैंक्स वैंक्स अपना वो नेम प्लेट नहीं होगी, तो उसका एक बड़ा अच्छा सा तरीका भी होता है कि आप प्रॉपर तरीके से समझा दें, बता दें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इज़्ज़त नफ्स जो है उसको मजरूह नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है कि हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है वो हमेशा मजरूह होती है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो। अगर उसको आपने सज़ा ही देनी थी तो बड़े आराम से उसे आप पुनिश करें, आप उसे रिटर्न सज़ा दे दें, उसको फ़ाइन कर दें, आपने वैसे 3 दिन के लिए उसे क्वार्टर गार्ड बंद कर दिया। लेकिन जो आपने उसकी तजलील की है तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही उस तजलील का नतीजा है जो आपके साथ हुआ, जिस तरह आपने लोगों के सामने उसके साथ बुरा सलूक किया है कांस्टेबल के साथ, और जिस तरह वो नीचे झुक के अपना रैंक फिर उठा रहा है, अपने शोल्डर्स उठा रहा है। तो मैं जो डीएसपी साहब, ये भी मैसेज होता है, खाली दाढ़ी रख लेने से कुछ नहीं होता। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि लोगों के साथ अच्छे रवैये रखें और हमदर्दी से पेश आएँ। तो आपकी जो आपकी तजलील हुई है पूरी दुनिया में वो शायद इसी वजह से है कि आपने उस कांस्टेबल की तजलील की है। और ख़वातीन हज़रात अब वो वीडियो देखिए जिसमें ये डीएसपी साहब उस कांस्टेबल के साथ जो कर रहे हैं। जैक्सन से क्यों? जैक्सन वाले ऐसे गंदे हैं क्या? ये देख कुछ लगाया हुआ है वो, तू जैकेट इसको किसको पहनना है? उसको पहनना है, किसको पहनना है? जैकेट पहनी है, कोई चीज है लगी हुई, तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। इसको वापस करो, दूसरा लेकर हट हो गए। पिछली दफा आया फिर भी ऐसे, अभी आया फिर भी तुम ऐसे ना, कोई भेज है ना कुछ है, जैसे जैसे खतरे होते हैं। शर्म में आने चाहिए, 3 दिन के लिए क्वार्टर गार्ड मेरी तरफ से कर ले जाओ इसको, अभी सही तरह अंदर बैठाओ, चलो अंदर। शर्म में आई नहीं भाई, नहीं करो यार, हट जाओ पीछे यार, नहीं करो आप, छोड़ दो ना उसको। अच्छा नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और उम्मीद है कि आपको मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक होगा, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता भी चले कि अल्लाह ताला इसी दुनिया में बदला ज़रूर लेते हैं, और वो इंसान जिसके साथ ज़्यादती की गई है वो ख़ुद अपनी आँखों से उसको देखता है। थैंक यू सो मच जी।